हेलो दोस्त, आ गया हम एक और नई वीडियो के साथ। आज का इस वीडियो एक भाई का सॉन्ग है, उसी का ऊपर होने वाला है। ये सॉन्ग अभी इंस्टा और फेसबुक यूट्यूब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आज मैं इसी के ऊपर ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को कैसे क्रिएट कीजिएगा, बिल्कुल ईजी स्टेप मैं आज बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड कहाँ से करना है, प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा अलाइट मोशन, तो वहाँ से आ जाएगा। तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अलाइट मोशन ऐप में आइएगा। अलाइट मोशन में आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो आप लोग के सामने दिखने को मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क, शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग अलाइट मोशन में इनपुट कर लीजिएगा। इसमें जितने सारे मटेरियल यूज होने वाले हैं, फोटो वगैरह, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग सॉन्ग बीट मार्क में आइएगा। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें को कुछ नहीं करने का है दोस्त, आप लोग कुछ मत कीजिएगा। इसको आगे आइएगा, आगे आइएगा, अगली बीट में आइएगा। तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे का साइड जो बैकग्राउंड इमेज दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं कोई सी एक सा भी फ़ोटो ले लेता हूँ। चलिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में फ़ोटो शो हो गया है। अभी इस सब में कौन सा लेयर है आप लोग ऐड कर दीजिएगा। आप तो बैक करके अपने शेक इफेक्ट में आइएगा। शेक इफेक्ट में आने के बाद ये जो पहला वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग, इस पर दबा के रखिएगा, दबा के रखिएगा। तो ये खाली प्लस वाला डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कॉपी लेयर कर लीजिएगा। बैक करके अपने बीट मार्क में आ जाइएगा। बीट मार्क में आने के बाद अगले बीट में कुछ इस तरह से आ जाइएगा। तो प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से लेयर पेस्ट हो गया है। आप लोग इसमें फ़ोटो ऐड कर दीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो कुछ इस तरह से देखिए फ़ोटो शो हो गया है। अब आ गया ये अगले बीट में, अगले बीट में भी उसी तरह से करना है। प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। तो लेयर कुछ इस तरह से छोटा पड़ गया, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको दबा दीजिएगा। तो लेयर कुछ इस तरह से बराबर हो गया है। आप लोग इसमें भी फ़ोटो कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। अब आगे आइएगा, आगे भी सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आप लोग कर दीजिएगा। तो प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से छोटा पड़ गया, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको दबा दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हो गया है। इसमें अभी आप लोग फ़ोटो कुछ इस तरह से लगा लीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिए। चलिए मैं ये फ़ोटो ले, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे इस समय फ़ोटो एड कर लीजिएगा, कुछ ये डबल बीट तक। डबल बीट के बाद आगे आइएगा, कुछ यहाँ से लेयर चेंज हो जाएगा। ये डबल बीट के पास आइएगा तो लेयर चेंज हो जाएगा। तो बैक करके अपने शेक इफेक्ट में आइएगा। शेक इफेक्ट में आने के बाद सेकेंड वाले लेयर जो दिख रहे हैं आप लोग, तीन लेयर है वो। तो ये तीनों को आप लोग यहाँ से दबा करके तीनों लेयर को आप लोग दबा के रखिएगा, तीनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। खाली प्लस वाला डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी थ्री लेयर कर लीजिएगा। बैक करके अपने बीट मार्क में आइएगा। बीट मार्क में आने के बाद ये जहाँ डबल बीट देखने को मिला था आप लोग, यहाँ पर जाइएगा, ये डबल बीट के पास प्लस वाले डब्बे पे जाइएगा, पेस्ट थ्री लेयर कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस हो गया है। तो आप लोग को कुछ नहीं करने का, ये नीचे एक ग्रीन कलर का जो इमेज दिख रहा है आप लोग, इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सभी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं कोई एक सभी फ़ोटो ले लेता हूँ। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ब्लैंक में इसको किया, देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आगे आइएगा, आगे सेम प्रोसेस वही उसी तरह करने का है। प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट थ्री लेयर कर लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से लेयर भी हो गया है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी
फोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फोटो ले, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए फोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, इसमें भी देखिए कुछ इस तरह से फोटो शो हो गया है। अब आ गया एक सेम प्रोसेस उसी तरह से करने का आप लोग को, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। तो लेयर कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इस तीनों को दबा के रख लीजिएगा, सेलेक्ट कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, इसको दबा दीजिएगा। तो देखिए तीनों लेयर बराबर में आ गया है। तो आप लोग इसमें भी फ़ोटो कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले, तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आगे आइएगा, आगे भी एक और एनिमेशन है, इसमें भी आप लोग फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा इसी तरह से। तो आगे आइएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये तीनों मिलेगा, तीनों में आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा। आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए फोटो तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आगे आइएगा, आगे भी इसी तरह से सेम फ़ोटो कोई एक सा भी ले लीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए फ़ोटो तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसमें भी आप लोग सेम प्रोसेस फ़ोटो आप लोग ले लीजिएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब आगे आइएगा, आगे आइएगा, कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली बिट देखने को मिल रहा था, तो आप लोग को क्या करने का है, ये जो लास्ट वाला एनिमेशन जो दिख रहे हैं आप लोग, ये दोनों को दबा के रखिएगा, और यहाँ पे खाली प्लस वाला डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा, कॉपी टू लेयर हो जाएगा। इसके बाद ये जो अगले बिट में आइएगा, डबल बिट जहाँ देखने को मिल रहा था, तो इस पर क्लिक प्लस वाले डब्बे पर क्लिक कीजिएगा, पेस्ट टू लेयर कर लीजिएगा। यहाँ भी आप लोग को लास्ट वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। आप लोग इसमें जाके फ़ोटो चेंज कर दीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से फ़ोटो कोई एक सा भी ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लेता हूँ, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग फ़ोटो ऐड हो गया है, तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोग वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर खाली डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली बिट देखने को मिल रहा था, तो आप लोग को क्या करने का है, ये जो लास्ट वाला एनिमेशन जो दिख रहे हैं आप लोग, ये दोनों को दबा के रखिएगा, और यहाँ पे खाली प्लस वाला डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी टू लेयर कर लीजिएगा, कॉपी टू लेयर हो जाएगा। इसके बाद ये जो अगले बिट में आइएगा, डबल बिट जहाँ देखने को मिल रहा था, तो इस पर क्लिक प्लस वाले डब्बे पर क्लिक कीजिएगा, पेस्ट टू लेयर कर लीजिएगा। यहाँ भी आप लोग को लास्ट वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। आप लोग इसमें जाके फ़ोटो चेंज कर दीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से फ़ोटो कोई एक सा भी ले लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लेता हूँ, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो देखिए कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग फ़ोटो ऐड हो गया है, तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोग वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर खाली डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।